नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन और मैं हूं अंकिता। आई नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। मोतिहारी में उपेंद्र कुशवाहा ने किया शंखनाद, कहा याचना नहीं अब रण होगा। बीजेपी को बताया भारतीय जुमला पार्टी, बोले बीजेपी अब नहीं रही वाजपेयी वाली पार्टी। सीएम नीतीश कुमार पर भी उपेंद्र कुशवाहा खूब बरसे, कहा आपकी हर राजनीति को हम समझते हैं, नीतीश जी से कम पढ़े लिखे नहीं है हम, बिहार में चौपट हो गई है शिक्षा व्यवस्था। राहुल गांधी से अगले सप्ताह मिल सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, दोनों दिग्गज नेताओं में हो सकती है मुलाकात। उसी दिन कुशवाहा छोड़ सकते हैं केंद्रीय मंत्री की कुर्सी। इधर बिहार कांग्रेस ने कहा महागठबंधन में नहीं है सीएम की वैकेंसी। धर्म परिवर्तन को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले समाज में जाति को लेकर आ रही है समस्याएं, ब्राह्मणवाद का शिकार हो रहे हैं दलित, बौद्ध धर्म अपनाने पर समर्थकों से करेंगे विचार। पूर्व सांसद तारिक अनवर ने बोला बीजेपी पर हमला, संविधान का भगवाकरण करने का लगाया केंद्र पर आरोप, बोले चुनाव में इस बार कांग्रेस के पक्ष में होगी खूब वोटिंग, कटिहार में संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम में हुए थे शामिल। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से करेंगे रैली, कल से बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों से होगी रैली की शुरुआत। सुपौल, बगहा, खगड़िया, भागलपुर और अररिया में रैली का आयोजन, बोले आने वाले चुनाव में गेम चेंजर बनेगा निषाद समाज। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जदयू ने मारी बाजी, छात्र जदयू के मोहित प्रकाश चुने गए अध्यक्ष, मिला कोषाध्यक्ष पोस्ट भी। एबीवीपी को मिली बाकी 3 सीट, अंजना सिंह उपाध्यक्ष, मणिकांत मणि महासचिव और राजा रवि बने संयुक्त सचिव। पीयू छात्र संघ अध्यक्ष बनने पर बोले मोहित प्रकाश, जदयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को दिया धन्यवाद, कहा छात्रों के पास लेकर गए थे सीएम नीतीश का एजेंडा, मुख्यमंत्री की योजनाओं को कराएंगे पीयू में लागू। मुजफ्फरपुर महापाप से जुड़ा भवन होगा ध्वस्त, भवन तोड़ने के लिए निगम ने डीएम को भेजा पत्र, कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट की होने वाली है नियुक्ति, भवन तोड़ने के दौरान मौके पर तैनात रहेंगे मजिस्ट्रेट। पटना में वकील हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, जमीन विवाद को लेकर हुई थी वकील जितेंद्र की हत्या, जितेंद्र की पत्नी और ससुराल वालों ने कराई हत्या, मामले में आरोपी पत्नी समेत 4 लोग लिए गए हिरासत में। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां, आप बने रहिए लाइव सिटीज डॉट इन के साथ। नमस्कार।